इस वीडियो में मैं फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन इसका सिंटैक्स, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, इसका कंट्रोल कैसे फ्लो होता है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लूंगा और फिर उसको ड्राई रन करके इसका आउटपुट दिखाऊंगा, जिससे ये पता चल जाए आपको कि वो जो आउटपुट है कैसे जनरेट होता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और जो लास्ट में सबसे मैं ये इसका फ्लो चार्ट बताऊंगा। जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं जहाँ पर हमें सेम लाइन को बहुत बार एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, तो उस केस में एक ही लाइन को बार बार लिखना फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको नंबर प्रिंट करना है 1 to 10, तो हम शायद 10 लाइन प्रिंट एफ लिख भी दें, लेकिन अगर 1 to 1000 प्रिंट करना है या 1 to 10,000, तो उस केस में ये प्रिंट एफ लिखना फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लूप है, जिसके थ्रू हम एक इनिशियल जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो देंगे, एक जो लास्ट कंडीशन है वो देंगे, और उसमें कितना स्टेप काउंटर, कितना इंक्रीमेंट चाहिए, 1 का 2 का 5 का, जितना भी वो हम मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम रन कर देंगे तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बाकी डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं सिंटैक्स बताता हूँ। तो सिंटैक्स में क्या होता है कि यहाँ पे रहेगा फॉर, देन उसके बाद एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन, एंड देन एक्सप्रेशन 3, ओके, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन 4 एंड देन सेमी कॉलन एंड क्लोज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेमी कॉलन यहाँ पे, एक सेमी कॉलन यहाँ है, दो ही सेमी कॉलन है, लास्ट में सेमी कॉलन नहीं है, क्योंकि अगर हम लास्ट में सेमी कॉलन दे देते हैं तो ये जो बॉडी है फॉर लूप का वो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है। और वैसे भी अगर हम सेमी कॉलन देते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि फॉर में यहाँ पे सेमी कॉलन आ ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैलिड स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब i=1 या i=2 ऐसा ही कुछ रहे, कोई भी वैलिड सी स्टेटमेंट यहाँ पे आ सकता है। फॉर प्रिंट एफ इनिट, प्रिंट एफ कंडीशन, प्रिंट एफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बॉडी में प्रिंट एफ बॉडी। तो यहाँ पे जितने सारे एक्सप्रेशन थे उसको मैंने प्रिंट एफ से रिप्लेस कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, एक्सप्रेशन पे हमारा यहाँ पे कोई भी वैलिड सी स्टेटमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जब प्रोग्राम मैं रन करूँगा ना, तो अगर हमारा आउटपुट जिस ऑर्डर में अभी मैं बताऊँगा अगर उस ऑर्डर में आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कंट्रोल वैसे ही फ्लो करता है। तो जो सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहाँ पे, जब फॉर लूप स्टार्ट होगा, तो ये जो इनिशियलाइजेशन वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है, और ये जो है कंडीशन के लिए यूज होता है, और ये जो थर्ड जिस प्रिंट एफ जो यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है। तो जो सबसे पहले आएगा तो ये वाला जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा, इनिट। उसके बाद यहाँ के जस्ट बाद ये जो होगा यहाँ पे आएगा, और ये जो कंडीशन होता है यहाँ पे, जो भी कंडीशन रहेगा एक्सप्रेशन 2 में वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, कंडीशन। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिखा है ताकि जब मैं प्रोग्राम रन करूँ ना तो ये सब हमें आउटपुट दिखे, तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बजाय हमें i=1 i <= 5, ये अगर समझ में आएगा तो डेफिनेटली वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन प्रिंट होगा, देन अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट रहेगा, यानी कि ये क्या है, बॉडी है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये ट्रू हुआ तो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रिंटेव है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सी में कोई भी जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो एनी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और सी में अदर देन जीरो अगर कुछ भी हम लिखते हैं तो वो ट्रू होता है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे व्हाइल लिख दिया और इसके अंदर हमने अदर देन जीरो लिख दिया तो हमेशा ट्रू रहेगा और लूप हमेशा वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे यानी कि ये क्या होगा कि वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो इसलिए वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे आया, बॉडी प्रिंट किया, इसका जो भी है ये एग्जीक्यूट होगा, देन यहाँ पे जाएगा, और जाने के बाद ये क्या होगा कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन है वो होगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये होने के बाद ये जब हुआ तो दोबारा से आएगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, तो कंडीशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन। फिर अगर ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर फॉल्स हुआ तो बाहर, अगर ट्रू है तो फिर बॉडी के अंदर, यानी कि दोबारा से आएगा, क्योंकि प्रिंट एफ हमेशा ट्रू है जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, बॉडी, देन यहाँ पे आएगा, फिर क्या होगा, प्रिंट एफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट,
डिक्रीमेंट, दोबारा से यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक होगा, एंड अगेन यहाँ पे आएगा बॉडी प्रिंट होगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर बॉडी। ये जो लूप है इनफाइनाइट चलता रहेगा, और जो हमारा आउटपुट कंसोल है उस पर एकदम बहुत ही फास्ट रिजल्ट आएगा और हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने कहीं भी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लिखा है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे BR0 यानी कि ब्रेक करने के लिए, और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 0। अब क्या होगा कि ये आने के बाद जैसे ही इसके अंदर आएगा तो हम इसको इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं 1 से, बस ताकि हमें इतना आउटपुट देखे हम वेरीफाई कर सके कि ये जो ऑर्डर चल रहा था क्या इसी ऑर्डर में हमें आउटपुट आया है या नहीं आया है। और उसके बाद यहाँ पे इफ़ ये 1 2 3, इफ़ BR is equal to 3, अगर ऐसा होता है तो ब्रेक कर दे। ओके, तो अब यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल आया यहाँ पे इनिट, जो फर्स्ट लाइन है ये चल गया, एग्जीक्यूट हुआ। देन उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन ट्रू हुआ, BR में 0 है अभी। उसके बाद कंडीशन ट्रू होगा, हमेशा यहाँ पे ट्रू ही रहेगा, तो ये VR की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर प्रिंट एफ, बॉडी प्रिंट हुआ, देन कंडीशन चेक करेगा BR is equal to 3, तो इस बार क्या कंडीशन फॉल्स है, तो यानी कि ये इसके जो पार्ट है ब्रेक नहीं चलेगा। यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट चला, यहाँ पे आएगा कंडीशन, कंडीशन चला, देन उसके बाद बॉडी, बॉडी में आने के बाद BR का जो वैल्यू है 2 हो जाएगा। फिर प्रिंट एफ, बॉडी, बॉडी प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक किया BR is equal to 3, नहीं 2 है, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चला, देन कंडीशन, ओके कंडीशन यहाँ पे आया, और उसके बाद आने के बाद ये कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे आएगा बॉडी, तो यानी बॉडी चलने से पहले यहाँ पे क्या है कि BR की जो वैल्यू है 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आया BR में, यहाँ पे क्या प्रिंट बॉडी, और इस बार क्या होगा कि BR is equal to 3, तो इस बार क्या है कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये लूप डायरेक्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और ये जो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे कंट्रोल फ्लो करता है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। अगर इसका आउटपुट अगर इस वे में आ गया, सेम ऑर्डर में अगर आउटपुट आ गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो अभी मैंने बताया कंट्रोल फ्लो ऐसे ही वर्क करता है। ओके, मैं एक कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ, एक नया फाइल मैं कंट्रोल शिफ्ट एन से लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ for1.c से, include if BR is equal to 3 then break। अब फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे हर जगह मैंने /n यूज किया है ताकि जो आउटपुट हमारा आए वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब अगर ये आउटपुट देखोगे तो जो बोर्ड पे मैंने लिखा था सेम आउटपुट है, तो इससे ये पता चलता है कि कंट्रोल फ्लो वैसे ही वर्क करता है जैसे मैंने बताया था। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका कंट्रोल फ्लो कैसे वर्क करता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम नंबर प्रिंट करेंगे 1 to 5 और उसका कैसे आउटपुट जनरेट होता है। वैसे ही अगर ये समझ में आ गया तो आगे कहीं इश्यू ही नहीं है, लेकिन बस एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तो ये फॉर लूप लिख दिया है मैंने, वैसे मैंने सिंटैक्स बता दिया ये कैसे वर्क करता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो अभी क्या होगा कि i की जो वैल्यू है यहाँ पे जैसे 1 है, इनिशियलाइज हो जाएगा कितने से, 1 से। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया इनिशियलाइज होगा, देन कंडीशन चेक होगा 1 is less than equal to 5, तो कंडीशन ट्रू है यानी इसके अंदर आएगा और प्रिंट हो जाएगा। अगर ये आउटपुट स्क्रीन है तो 1 प्रिंट हो गया। दोबारा से यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे आएगा यानी यहाँ पे गया, उसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे आया 2 is less than equal to 5, वो भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 हो चुका है। फिर दोबारा से आएगा और जो i की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी कि 2 था तो ये 3 हो गया। यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा 3 is less than equal to 5, सही है यानी कि ट्रू है। दोबारा से आएगा और यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फिर ये चेक करेगा 4 is less than equal to 5, ट्रू है कंडीशन। फिर आएगा ये प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 4 था। फिर यहाँ पे जाएगा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यहाँ पे आया कंडीशन चेक किया 5 is less than equal to 5, ये भी ट्रू है। दोबारा आएगा और 5 प्रिंट हो जाएगा। देन ये प्रिंट होने के बाद दोबारा से यहाँ पे आएगा और i की जो वैल्यू 5 है ये 6 हो जाएगी। अब इस वक्त क्या करेगा, चेक करेगा i is less than equal to 5, यानी कि 6 is less than equal to 5, तो इस वक्त क्या होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो लूप है ये डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे कि आई में सच में वैल्यू 6 है या नहीं है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एक लिख सकते हो प्रिंट एफ, उसमें आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो उसमें आई की जो वैल्यू है 6 दिख जाएगी, इसीलिए लूप एग्जिट हुआ।
तो अब मैं सेम प्रोग्राम को रन करता हूँ कंप्यूटर पे और इसका भी आउटपुट दिखा देता हूँ। अब मैं एक दूसरा फाइल लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ for2.c से #include stdio.h int%d space, i। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आउटपुट 1 to 5 आ गया। अब अगर प्रिंट करना है 1 से लेके 500 तक तो इसको मैंने चेंज किया और सेव करके रन किया तो 1 to 5 तक आउटपुट आ गया। अगर मैं स्टेप काउंटर चाहता हूँ कि 2 का रहे तो यहाँ पे मैं i++ की जगह पे i+=2 कर दूंगा और इसको सेव कर दिया मैंने दोबारा से और इसको रन करता हूँ तो अब देखोगे आप तो 2 का इंक्रीमेंट दिखेगा और 500 तक यानी कि 499 तक आउटपुट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फ्लो कंट्रोल समझना एकदम आसान है। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बना दिया फॉर लूप का, ये अच्छे से पहले से ही आपको पता है तो फ्लो चार्ट समझना एकदम इजी है। सबसे पहले स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले ये क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। उसके इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। यानी कि इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट बाहर, कोई और कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉल्स हुआ स्टॉप हो जाएगा ये फॉर लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो बॉडी का पार्ट है जो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सारे एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। यानी कि बॉडी एग्जीक्यूट किया उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे आया, दोबारा से कंडीशन चेक हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम कैसे वर्क करता है फॉर लूप समझ में आ गया होगा।